कर लिया, रहे हैं सब, करें शुरू। जी नमस्कार स्वागत आप सभी का धनवंत्रा के YouTube चैनल पर बज गए हैं शाम के रात के आठ और शुरू करते हैं आज मैथ पैडागोजी पीछे लिखे हैं दो शब्द आप लोगों के तो हम रोहित वैद्यवान आप हैशैग बच्चा पार्टी जाएगा शुरू जी तो यहाँ आपके सामने लिखा है टेलर एबेकस और जियो बोर्ड तो आज हम जानेंगे सवाल जिससे अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर सिनारी अगर देखेंगे तो ये अलग थे जिसमें आप टेन ग्राम के बारे में भी जानेंगे वो मैं अलग पढ़ा हुआ तो मैंने कॉन्सेप्ट को आसान बनाने के लिए सीरीज दी है ताकि आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में ये सारी बात जान ले और वही बात है अब आज हम जानेंगे क्या टेलर के अबेकस के बारे में और जियो बोर्ड के बारे में अब जियो बोर्ड क्या होता है और टेलर का वेकस क्या होता है वो तो जानेंगे जानेंगे लेकिन उससे रिलेटेड फिर उसके बाद क्या जानेंगे क्वेश्चन भी तो स्वागत है एक बार फिर आप सभी का कोई मेरे से बच्चा पूछेगा सर इसे हिंदी में क्या बोलते हैं तो बेटा जो ये इंग्लिश में है यही वो हिंदी में है इनका इंग्लिश और हिंदी का ज्ञान सेम ही है ठीक है तो इसमें आप ये ना सोचेगा कि ये इंग्लिश में आ रहा है ये हिंदी में आ रहा है दोनों जो है बिल्कुल एक दूसरे के जैसे ही है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी क्लियर भाई तो अब इन शब्दों को साथ आप चलेंगे आज की क्लास के साथ तो उससे पहले अच्छा अगर मैं तुमसे पूछ लू ये वाली बात कि जो टेलर साहब ये लिख रहे हैं तुम्हारे सामने ये ऐसा ही कोई नाम होगा या कोई इंसान रहा होगा ऐसा मतलब एक नॉर्मल मैं अपनी जानना चाहता हूं तुम लोगों से फिर उसके बाद आगे दे जो टेलर्स अबेकस लिखा है तो ये क्यों इसके साथ खाली अबेकस भी लिखा जा सकता था तो ये क्या लिखा होगा ये टेलर क्यों लिखा है बताइएगा जरा ये नाम है इंसान है या बस ऐसे ही किसी चीज का नाम है और ये होता क्या है कैसे जाना जाएगा तो शुरुआत कर देंगे आपके साथ आ जाइएगा जल्दी 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 जी सर बहुत अच्छा कर रहे हैं क्लास लेकर धन्यवाद हिमेश रेशमिया जी अब अगर आप लोग वार्तालाप बंद करके काम पे आ जाएं तो ज्यादा जरूरी है अपराजिता आपके उसमें बेटा एमपीटेट और सीटेट सारे सीटेट का जो मेन है उसी में सब कुछ आ जाता है ना तो चलिएगा यहाँ सर किसी का नाम होगा तो कभी अगर एग्जाम में पूछ लिया कि नाम किसका होगा कहाँ का होगा तो बता सकते हो अच्छा इंसान का नाम क्या है कनुप्रिया जी ये बोल रही हैं बिल्कुल नॉर्मली नौ, ये तो तुम जानते हो पेवलोव थ्योरी स्किनर थ्योरी पियाजे थ्योरी सारी चीजें अगर इस नाम को तुम सर्च करने जाओ ना टेलर अबेग तो तुम्हें गूगल पे कुछ नहीं मिलेगा ये मेरे से चाहे सर्च कर लो तुम्हें एक मिनट दे देता हूँ मैं कि आप लोग इसे सर्च कर लीजिएगा तो आपको इनाम ही नहीं मिलेगा है ना किसी पर्सन का नाम जो आप तुक्के से बोल रहे हो ना ये होगा तो आप एक काम करिएगा एक बार ढूंढिएगा सर्च करिएगा क्या सच में आपको इनाम दिखाई देगा और अगर ये दिखाई देगा तो आपको शायद मेरी ही इस वीडियो का क्या दिखाई देगा फोटो दिखाई देगा खैर चलिए हैं शुरू कर लेते हैं इसके बारे में जानना और ये क्या है इसके बारे में अभी आप लोगों के सामने करते हैं शुरुआत लेकिन फिलहाल आपके लिए वो पीपीटी के साथ जिसमें आप समझ सकते हैं आगे तो जो हमारे पास टेलर अबेकस की बात करते हैं तो पहले तो ये देखिएगा जो आपके सामने ये चीज दिखाई दे रही है जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है टेलर का टेबल ये होता है टेलर का टेबल और ये जो टेबल होता है जिसमें आप चीजों को देख रहे हैं तो यहाँ आप छोटे छोटे जो देख रहे थे तो इसी तरीके से जो चलाया जाता है और जो शुरुआत में ये आया था तो ये शुरुआत में याद रखिएगा, अगर ये किसी के लिए चलता है तो इस बात को दिमाग में रखिएगा ये ब्लाइंड स्टूडेंट्स के साथ या जो विजुअल इम्पार्टेंट स्टूडेंट होते हैं जिनको देखने में दिक्कत होती है उनके लिए तो सबसे पहले इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा कि ये जो टेलर का अबेकस होता है ये किस चीज के यूज में आता है तो याद रखिएगा ये जो आप बता चलेगा तो इस बात का जवाब बेटा याद रखिएगा ये ब्लाइंड और विजुअल स्टूडेंट्स के लिए क्या जो विजुअल इम्पार्टेड स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सिखाया जाता है अब हाँ मैंने आ, नेम है सर टेलर और इन्होंने अब के बारे में मैंने कहा सोच सोचना इसके बारे में कुछ मिलेगा कि हाँ तो बेटा चार डेनिस ब्लॉक के बारे में टेन जेन के बारे में अगली बार समझाओ फिलहाल अब इस, इसे चुड़ी सुन लीजिएगा मतलब इसी को तो यहाँ तो जब आप बात करते हैं तो ये फोटो आपने देखा और नीचे की तरफ आपने क्या देखा था ये जिसमें आप अबेकस के कुछ फोटोग्राफ देख रहे होंगे ये नॉर्मली सब लोग जानते हैं अबेकस जो होता है वो कैलकुलेशन के काम आता है तो पहला सवाल तो यही रहेगा कि टेलर का अगर ये चार्ट या टेबल है या टाइम है तो किसके लिए आता है तो याद रखिएगा ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए या विजुअल इम्पोर्टेड स्टूडेंट के साथ आते हैं अब सोनल भारती वो अगली क्लास में पढ़ाऊंगा बेटा उसके बाद अगर आप इसमें देखेंगे तो इस चीज को मैं दिखा देता हूं एक दूसरे तरीके से ताकि आपको लाइट टाइम याद रहे ये क्या है लेना चाहें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपके सामने लिखा है कि टेलर मैथमेटिकल फ्रेम प्रोवाइड कंप्लीट सोल्यूशन फॉर द विजुअली इंपॉर्टेंट टू लर्न मैथमेटिक्स इसका मतलब ये जो सिखाया जाता है ये इसलिए कि कौन है आप मैथ सीख पाए कौन से लोग तो जो मैथमेटिक्स को सीख पाए विजुअली इंपॉर्टेंट उनके लिए ये चीज क्या है कंप्लीट टेक्टाइल दिया गया था और ये जो दिया गया था इसमें क्या क्या चीजें हैं ये टेक्टाइल जो मेथड होता है लर्निंग मैथमेटिक्स का होता है ये किसके लिए है विजल इंपार्ट इस जो ईच लाइन क्या होगा 18 लाइंस इनटू 22 सेल्स इसका मतलब इसमें जो है 18 लाइनें होती हैं और 22 क्या होती हैं सेल्स होती हैं उसके बाद यहाँ टैक्टाइल सॉल्यूशन क्या करता है मैथ एजुकेशन के साथ 100 पीस टाइप के सेट इंक्लूड करते हैं वैरायटी ऑफ साइज और यह याद रखिएगा लर्न कराता है आपको अरिथमेटिक और अलजेब्रा अब इसमें से जो याद करने वाली बात है वो सीख लीजिएगा कोई सवाल आता है ये कि टेलर का मैथमेटिक्स फ्रेम किसके लिए यूज़ आता है तो याद रखिएगा विजुअल इम्पर्ट लिए आता है पूछते हैं इसकी ईच लाइन में कितना होगा तो याद रखिएगा एटीन इंटू ट्वेंटी सेल होगा और अगर पूछा जाएगा तो मैथ के किस एरिया को ये काम कराता है तो याद रखिएगा वो अर्थमेटिक और क्या होगा अल्जरा अब हिंदी में बेटा मैंने बोला हिंदी में है ही नहीं आपको इसको समझ लीजिएगा ये फ्रेम दृष्टिबाधित बालकों के लिए मैथमेटिक्स सिखाने के काम आता है इसमें 18 लाइनें और 20 सेल्स बाई सेल्स होती हैं ये जो आएगा जिसमें आप मैथमेटिक्स के दो कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं बच्चे को और जो होता है वो उसका नाम होता है अर्थमेटिक और अल्ज्रा जितने भी हिंदी वाले बच्चे हैं बेटा मैं अल्जरा को भी हिंदी में वही लिखता अर्थमेटिक को अंगणित लिखता बात वही है तो आप समझिएगा इन चीजों को किस किस तरीके से क्या क्या बोला जाता है तो मैंने आपको सिंपली समझा दिया ये रह जाता है क्लियर इसके बाद अगर आप जानेंगे तो इसके जानने के बाद आपके सामने तो आप जरा देखेंगे तो यहां ये नॉर्मली जो सिखाया जाता है तो आप देखेंगे किस तरह ये चल रहा होगा तो आप देखेंगे नीचे इसके पास एट थे वहां पर सेवन अर्थमेटिक तो का जो एरिया होता है जिसमें चीजों को सिखाने के काम आता है तो ऊपर के आठ नीचे के साथ कुल मिलाकर पंद्रह तो इसका मतलब मैथमेटिक्स में जब आप बच्चे के मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन को अच्छा करते हैं तब भी आप इसका क्या करते हैं यूज करते हैं तो आपके सामने जो चल रहा हुआ उसने बता दिया कि ऊपर के आठ लिए नीचे के साथ लिए कुल मिलाकर कितना हुआ पंद्रह या इधर कितना कर दिए आठ उधर कितने रखे सात उसके के बाद कुछ घटाया तो कितना हुआ तो इस चीजों को याद रखिएगा अबेकस का जो यूज है वो आर्थमेटिक के साथ और किस चीज के साथ है ये तो आगे नोट अगर कर लिया है तो चलिएगा इसके बाद आगे भी देख लेते हैं तो ये आपको एक नई चीज दिखाई देगी लेकिन उससे पहले एक स्क्रीनशॉट और ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को हमेशा क्या रहे मदद और वो है ये तो अगर कोई पूछेगा तो ये बड़ी मुश्किल से मेरे को एक सीट मिली है जिसमें हो सकता है आपको कुछ दिखाई ना दे लेकिन यहां मैं बता दूं ये टेलर मैप मैंने आपको दिखा दिया जो होता है वो आपने देख लिया क्या है एल्यूमिनियम फ्रेम होता है सेट ऑफ एट पॉइंटेड होता है लेकिन यहाँ बाद में जो अपडेट आई तो मैं इसको बता दूं अगर किसी को जानना है तो उनके लिए जानकारी ले लीजिएगा जो टेलर साहब हैं जो टेलर साहब के बारे में आप आते हैं तो ये थे इंग्लैंड के कहाँ के थे इंग्लैंड के तो नाइनटीन सेंचुरी में इंग्लैंड के मैथमेटिशियन रेव विलियम टेलर डेवलप डिवाइस आपको बता दिया तो नॉर्मली याद रखियेगा कोई पूछेगा कि टेलर फ्रेम बनाने वाले टेलर साहब कौन सी कंट्री से थे तो बस याद रखियेगा वो नाइनटीन सेंचुरी में कहा से इंग्लैंड के पूरा नाम था रेव विलियम टेलर तो हो सकता है दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा ये मैंने आपको बताया बड़े आराम से ताकि आप ये गिनती सिखाने के काम करते हैं अर्थमेटिक में मदद देता है और स्पेशली उनको देता है जिनमें ये बच्चे क्या होते हैं ब्लाइंड जो विजुअल इम्पार्टेड होते हैं क्लियर अब हर्षवर्धन सिंह मैं बहुत कंफ्यूज हूँ सुपर टेट की ऑनलाइन क्लास कहां से लू ये तो आप ही सोचेंगे मेरे बच्चे है ना तो यहाँ इसकी जानकारी के बाद मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं Normally, इसका यूज कैसे करते हैं तो देखिए बड़ा मुश्किल काम होता है भाई बड़ा मुश्किल काम है और वो मुश्किल काम क्या है देखो यहाँ ना इसके लिए जो साइन है अगर आपको देखो कीबोर्ड जो इसका होगा तो अगर आप इसको करना पड़ेगा तो सिखाते टाइम टीचर जो सिखाएगा अगर उसे प्लस सिखाना होगा तो प्लस सिखाना होगा तो उसे दो इसका मतलब उसे एक तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा पॉइंट एक इसका मतलब जो पॉइंट यहाँ थे ना तो एक पॉइंट यहाँ एक यहाँ उसके बाद अगर माइनस सिखाना है तो आप सोचेगा कितना मुश्किल हो जाता है लेकिन फिर कुछ भी पढ़ाने वालों ने पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ बच्चों के लिए इंतजाम किए वो भी काबिल तारीफ थे जिन्होंने आविष्कार किया ताकि जो विजुअल स्टूडेंट है ब्लाइंड वो भी देख पाए नंबर का की कैसे यूज होगा नंबर के साथ कैसे तो सारा इसमें दिखाने के लिए यह आपके काम के नहीं है बस एक मैंने नॉर्मल एडिशन के तौर पर दिखाई कि आप समझेंगे ब्रैकेट कैसे सिखाते हैं ये तो किसी को सिखाएंगे तो और इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर यह है आप सोचिएगा कि जब आप पढ़ेंगे आप पढ़ रहे होंगे तो आप नॉर्मली डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह कि 12 से 192 और वो जो ब्लाइंड स्टूडेंट इसको यूज करेगा टेलर सेलेट को वो इसे कन्वर्ट करेगा कुछ इस तरीके से तो देखिए भाई इसका मतलब आ, कितना मुश्किल वाला काम है तो यहाँ इन सारी चीज़ों के साथ ताकि आप जानकारी रखें देखिए कुछ चीज़ें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती लेकिन फिर भी क्योंकि आज एग्जाम का स्तर इतना बढ़ चुका है कि आधे से ज़्यादा लोग शायद यही नहीं जानते होंगे कि टेलर कौन थे क्योंकि टेलर का यूट्यूब पर नहीं मिलेगा ये जो है मेरे को एनसीआर की किताबों से अगर आप निकालेंगे तो वहां से मिल जाएगा ठीक तो यहाँ पर उसके बाद भी एक चीज और बता दूं लेकिन यहाँ अगर इसमें कुछ दिक्कतें होंगी तो हम दिक्कतें छोड़ देते हैं लिमिटेशन है पच्चीस रो के कॉलम नहीं आ सकते स्लो होता है मुश्किल होता है तो इस बात को आप रखेंगे साइड आप सीधा बढ़ेंगे आगे की तरफ और आगे की तरफ बढ़ते हुए मैं दिखाता हूँ आपको एक नया तो जो नई चीज आप देख रहे हैं अपने सामने ये जो हमारा है ये हमारा कहलाता है जियो बोर्ड ये हमारा क्या कहलाता है जियो बोर्ड और जो बेटा जियो बोर्ड होता है वो अपने नाम के हिसाब से ही काम करता है ये जियो है तो इसका मतलब तो जिमेट्री से है तो जो लोग जयमती सीखते हैं जो लोग जयमति सीखते हैं उनके लिए काम आता है जियो बोर्ड और जियो के साथ ही आपने देखा है ज्योमेट्री तो जिन बच्चों को ज्योमेट्री सिखाई जाती है जैसे ये पॉइंट आपने देखा तो यहाँ से इसने क्या करा ट्राइंगल बना दिया इसी चीज को अगर यहाँ से यहाँ तक लेके चलता तो इसका मतलब वो क्या बना सकता है स्क्वायर बना सकता था इसको बीच में काटेगा तो इसका मतलब क्या बना देगा रेक्टेंगल और अगर वो इन सारी चीजों को यहाँ से सिलेक्ट करता 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 जाएगा तो इसका मतलब क्या है सर्कल तो प्राइमरी क्लासेस में प्राइमरी क्लासेज में जब आप बच्चों को ज्योमेट्री सिखाते हैं जो लगभग फिफ्थ क्लास से शुरू होती है तो जब आपका यूज करते हैं तो याद रखिएगा वो क्या कहलाता है जियो बोर्ड और जियो बोर्ड वन टू फिफ्थ क्लास के लिए यूज होता है ये याद रखिएगा फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं तब तो ये आपको क्या करता है मदद करता है तो ये जियो बोर्ड होता है भाई जो आपके क्या करेगा मदद करेगा सर बोर्ड पर ही शेप बनाते हैं जी हाँ मतलब जियो है बोर्ड है आपने पिन पिन लगाए लगाए उसके साथ ये करा दिया अब इसके बाद अगर आप इस चीज को देखेंगे तो इसका एक, एक एनिमेशन देख लीजिएगा ताकि याद रहेगा ये देखिएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके साथ ये पॉइंट कैसे कैसे कहाँ कहाँ जुड़ता रहता है और एक नई शेप आपके सामने लेके आता है तो ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ये क्या है जियो बोर्ड है और जियो बोर्ड में आप इन सारी चीजों के साथ मदद करते हैं तो इसका मतलब बच्चे के जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं उनको सिखाने के लिए जब आप किसी चीज का यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है हाँ रबड़ यूज होता है तेबले ना बिल्कुल बढ़िया तो यहां इसके बारे में एक थोड़ी सी जानकारी है ताकि आपको याद रह जाएगी और वो जानकारी आप लोगों के सामने इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑल्सो की एक गुड जो जियो बोर्ड होता है मैथमेटिकल मेनिपुलेटिंग यूज होता है, एक्सप्लोर करता है किसके बेसिक्स तो याद रखिएगा जब आप मैथ में बच्चे को बेसिक्स कॉन्सेप्ट सिखाते हैं ज्योमेट्री के तब इसको क्या है यूज किया जाता है और इसमें याद रखिएगा इसमें याद रखिएगा प्लेन ज्योमेट्री की चीजें आती हैं, मतलब ये कि इसमें आप नॉर्मली टू डी पिक्चर्स बनाते हैं इसमें आप थ्री डी पिक्चर्स के बारे में या थ्री डायमेंशन चीजों के साथ नहीं सिखाते तो ये बात आपके दिमाग में रखिएगा और इसके बाद देखिए इसमें है है या बेसिक बेसिक है, उसको सिखाया जाता है। और जिन्होंने ये कहा रबड़ वाला उनके लिए जानकारी है विच आर रेप जियो बैंड आर मेड ऑफ रबड़ तो आपने जो लिखा नहीं लड़कियां या हमारे घर में सिस्टर या सर में ना एक रबड़ लगा लेते घुमा फिरा के या नॉर्मली आपने देखा होगा जब न्यूज़पेपर वाला आता है और न्यूज़पेपर फेंकता है तो उसको रबड़ बैंड के तो वो रबड़ भी आप इसमें क्या कर सकते हैं यूज तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपके फिलहाल क्या है सामने है क्लियर भाई यहाँ तक आप ये तो दोनों में याद रखिएगा जो टेलर अबेक्स वाला है वो ब्लाइंड स्टूडेंट को मैथमेटिक्स सिखाने के काम आता है और याद रखिएगा उसमें जियो बोर्ड बेचा ब्लाइंड के भी साथ आ सकता है और नॉर्मल के साथ नॉर्मली अगर मुझसे आप पूछेंगे तो नॉर्मल बच्चे में ज्यादा यूज होता है ब्लाइंड के मुकाबले ठीक है यूज क्या होगा टू पिक्चर्स के साथ तो मैं समरी में इसको बता देता हूँ दोबारा टेलर अबेस जो होगा रे विलियम टेलर थे जो थे आपके कहा इंग्लैंड के जिन्होंने इसका इन्वेंट किया था विजुअल इंपार्टेड या ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए किया था इसमें

ये रहा आपके सामने एक सवाल आया जो आपके सामने ये पूछना चाहता है वो क्या है थोड़ा सा छोटा होगा हाँ जी थे थोड़ा सा तो आपसे पूछ रहे हैं ए, आ, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है परंतु कक्षा चार के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है शिक्षक शिक्षार्थियों के समझाने के लिए किस प्रकार सहायता कर सकता है दोनों के क्षेत्रफल अगर क्या है समान तो देखिएगा सवाल ये आ जाएगा और आपसे जो जवाब पूछा जा रहा है आप उसका जवाब देंगे देखिए बताइए क्या होगा वो सवाल का जवाब तो एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है समान परंतु कक्षा चार के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या है अधिक है तो ये जो दिया गया है और इसमें हमारे बच्चे को जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस सवाल का क्या जवाब देंगे और जो क्लास नंबर फोर आपको यहाँ दिखाई दे रही है तो क्लास नंबर बेटा पैमाने का यूज नहीं है ग्राफ पेपर का यूज नहीं पेपर फोल्डिंग नहीं यहाँ किसके यूज से बताएगा तो इसका मतलब एरिया समझाने के लिए जो यूज करेगा वो क्या है जियो बोर्ड आपके सामने ऑप्शन था आपने जवाब दे दिया आगे आपके सामने फिर दूसरा सवाल आएगा तो जो दूसरा सवाल है बच्चे वो ये है अब दूसरा सवाल जब आपके सामने आता है तो वो आपसे पूछता है कुछ ये कि आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रेट टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन और टू डेसिमल नंबर एडिशन और टू इस सवाल का जवाब जरा दिमाग से लगाइएगा सवाल नंबर दो है जवाब आप क्या देंगे बताइएगा तो शिक्षण अधिगम में कौन सा साधन सबसे बढ़िया होगा जब दशमलव संख्याओं के दो संकल्पनाओं को पढ़ाने का आप यूज करते हैं बताइएगा क्या होगा हाँ जी बिल्कुल अब यहां ध्यान रखिएगा अगर आपके सामने अभी मैंने बता ही दिया तो आप इस सवाल का जो जवाब देंगे तो आप इस सवाल का जो जवाब देंगे उसमें बहुत सारे लोग जिस सवाल का जवाब देंगे अबेकस जियो बोर्ड तो देखिए जियो बोर्ड जियोमेट्री के लिए था इसलिए कट जाएगा अबेकस में आप पॉइंट वाली चीजें नहीं सिखाते तो इसलिए मैंने इस सवाल को दिया ताकि जब आप पढ़ाते हैं तो आपका दिमाग वहीं चलता है कि चलो इसी को जवाब दे दें। तो मेरे बच्चे इसका मतलब ये भी क्या है गिनता तारा इसके लिए नहीं होता तो जो आप जियो बोर्ड और ये करेंगे दो अब आपके पास हैं बियर्ड एंड स्ट्रिंग्स वो होती है आपकी मोती की माला तो याद रखिएगा ग्राफ पेपर आपने देखा होगा यहाँ इसको समझाने की जरूरत नहीं इसलिए मैंने तो आपने ग्रीन सा पेपर देखा होगा जिसपे कुछ चीजें लिखी है ऐसा कुछ बनाया जाता था और उस बनाने के बाद आप पॉइंटों पे चाह के उसकी कुछ बनाते थे तो वो जो कहलाता था वो क्या था ग्राफ पेपर और हम जब दशमलव की संख्या से चाहते हैं क्योंकि वो बटा होता है टुकड़ों में छोटे 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 तो इसलिए उस सवाल का जब भी आप जवाब देंगे तो याद रखिएगा वो आपका क्या बनता है अबेकस पे नहीं बनता वो आपका बनता है किस पे ग्राफ पेपर पर तो इसलिए सवाल का जो जवाब होगा वो क्या है ग्राफ पेपर क्लियर भाई आया ना आगे बढ़े चलेगा यहां के बाद अगर आप इस सवाल के बाद चलते हैं तो आपको दिखाते हैं हम अपना नया सवाल और जो नया सवाल है वो है सवाल नंबर तीन ये देखिएगा तो जो क्वेश्चन नंबर थ्री है वो आपसे पूछना चाहता है ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एज लर्निंग रिसोर्सेज फॉर विजुअली चैलेंज इन अ मैथमेटिक्स क्लास अब आपसे पूछ रहे हैं कि मैथमेटिक्स की क्लास में विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए आप किस चीज का यूज करेंगे तो आपको बताना है मेरे सवाल का जवाब आप किस चीज का यूज करेंगे जो आपके सामने ऑप्शन है उसी में से बताइएगा फिलहाल ऑप्शन नंबर वन है के नॉर्मल चार्ट कंप्यूटर जियो बोर्ड टेलर अबेकस कंप्यूटर जियो बोर्ड कंप्यूटर नंबर चार्ट जियो बोर्ड बताइए तीन के साथ सबसे बढ़िया जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर थ्री के साथ सबसे बढ़िया जवाब क्या होगा जल्दी जवाब दें हाँ जी तो आप जवाब देने इसमें तो आसान निकल जाएगा जवाब कहानी से निकलेगा देखो अब आप दो तीन चीजें देखोगे तो आपको समझना पड़ेगा क्या है तो आप क्या कह रहे हैं कि आप नंबर चार्ट के साथ नहीं जा सकते हटा दीजिएगा आप सीधी बात है कंप्यूटर के साथ नहीं जा सकते तो हटा देंगे अब आप जब आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे कौन कौन से तीन और सी तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कंप्यूटर के साथ भी नहीं जा सकते क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि सामने वाले ने जो पूछा था वो क्या है दृष्टिबाधित के साथ तो दृष्टिबाधित उसमें आपको कंप्यूटर तो वैसे ही रिमूव करना पड़ेगा और बेटा कंप्यूटर अगर यहाँ से रिमूव कर दोगे तो आपके पास एक ही बचेगा टेलर का गिनतारा बिन का किट और संख्या क्या क्या है चार्ट तो नंबर चार्टिस में चला जाएगा नॉर्मल भी तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी क्या जा? हाँ जी तो इसका मतलब यहां इस सवाल का जवाब डी और दिमाग से लगा विजुअली था तो खुद ही समझ जाना चाहिए था लेकिन फिर भी अगर गड़बड़ कर गए तो कोई बात नहीं लेकिन इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी चलिए भाई आ रहा है समझ में हाँ या ना कुछ आया समझ में हाँ कि ना तुम तो यार बड़े ढीला सा वो करते हो चलो आगे देखो नया सवाल तुम लोगों के लिए ये रहा सवाल नंबर चार आज का सवाल नंबर चार पूछ रहा है आपसे अभी समझाया था देखो जवाब दे पाओगे अभी बता के चला था बाकी आपको पता चलना जब डाइनेसिस ब्लॉक अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं वरना में एक और वीडियो समझा दूंगा फिलहाल आप जवाब दे दो ये तय है कि इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए नहीं है बस ये ध्यान रखना जो बच्चा ध्यान से पढ़ेगा उसे ये सवाल याद रहेगा जो ध्यान से नहीं पढ़ेगा वो भूल जाएगा कि अभी मैं एक सवाल करा के लाया था जिस सवाल के साथ मैंने बताया था कि सबसे बढ़िया तरीका दो डेसिमल के उसके साथ यूज क्या होता है तो आपने अगर देखा होगा उसी को इन्होंने पूछ लिया तो बेटा दो सिमल के साथ जब यूज करते हो तो इसमें सोचने की कोई दिक्कत ही नहीं है इस सवाल का जो जवाब होगा वो भी क्या होगा ग्राफ पेपर तो जो लोग ग्राफ पेपर देंगे वो बिल्कुल क्या हो जाएगा सही हाँ तो कुछ बोलेंगे नंबर चार्ट तो बेटा नंबर चार्ट ना जो यूज करते हैं तो आप ब्रेल में जब नंबर देखते हैं ना उसमें आप विजुअल इंपार्टेड स्टूडेंट के साथ कर सकते हैं जैसे कुछ लोग बोलेंगे सर जी तीन के साथ नंबर चार्ट तो मैं बता देता हूं एक बात और क्योंकि आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा जब एक बात समझ में आ गई कंप्यूटर यूज ही नहीं हो सकता तो जब कंप्यूटर यूज नहीं हो सकता तो तीन तो जा ही नहीं सकते लेकिन आपको बताया टेलर का जो हमारा गिनता है वो तो यूज हो सकता है जो भिन्न का किट है जो आप ना ब्रेल लिपि में नहीं पढ़ते वहां वहां उस चीज को देखा जाता है तो दिमाग लगाना होता है बेटा पेपर तभी पास पेपर कभी भी उस इंसान का पास नहीं हो सकता और ज्यादा पढ़ ले पेपर उस इंसान का जल्दी पास होता है जो कम पढ़े लेकिन चीजों को समझ कर पढ़े तो आपके सामने नया सवाल और जो सवाल है वो आपसे पूछ रहा है ये कि यूज ऑफ अबेकस इन क्लास सेकेंड डज नॉट हेल्प द स्टूडेंट किसकी मदद नहीं करेगा ये आपका आसान सा सवाल है आसान सा सवाल है और देखता हूं इतना जानने के बाद कि आप इसका जवाब दे पाएंगे तो इसलिए हम लोग देते हैं आपको आज का बड़े दिनों बाद एक होमवर्क कि ये सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे आप डिमांड करते रहते हैं बहुत तो हमारी भी तो कोई डिमांड होगी तुमसे बस इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा तो डिमांड हमारी पूरी हो जाएगी यहाँ आप याद रखिएगा नॉर्मली इसका बताते हैं हम्म व्हाट डू स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क बिल्कुल बेटा जो स्मार्ट वर्क करेगा ये तो इस सवाल का जवाब देना है आपको चलो एक काम कर देते हैं तुम्हारे लिए इस बात को बता देते हैं आ, की सहायता नहीं तो आपको ना इसमें जवाब ना तो ए होगा ना बी होगा सवाल का जवाब सी या डी में से कोई एक होगा तो देखेंगे आप किसके साथ जवाब देंगे इस ऑप्शन का तो लेट्स सी वी विल वेट फॉर द योर ऑप्शन है ना चलेगा आगे इसमें क्या है देख लेते हैं आगे इसमें कुछ नहीं है आगे तो प्रचार आ गया काम की चीज आ गई तो कर लो यूज नहीं आ रही तो छोड़ दो भाई ये रहा सोशल प्रचार यहाँ पर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर वीडियो तो ये लेकिन कोशिश यही रहेगी कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ मैं, मैं मैथ की पैडागोजी आपके लिए क्या कर दू कवर करा दू जल्दी से जल्दी ताकि आप लोगों को एक बेहतर एक्सपीरियंस मिले एग्जाम का क्योंकि आप जहां जो पढ़ते हैं अगर सवाल ही सोल्व करेंगे तो याद रखिएगा एग्जाम में चलेगा तो अभी मिलते हैं आपसे कितनी क्लास अभी मिलेंगे आपसे नौ बजे आज की क्लास में बता दू पहले ही जो पैडागोजी प्रकाश होगी उसमें आप बात करेंगे उपासना जी डेनिस ब्लॉक जो होते हैं बेटा छोटे छोटे ब्लॉक के साथ वो आपने देखा ना जैसे बहुत जगह है चलो मैं बता ही देता हूँ वरना मानोगे नहीं तुम तो वो जो ब्लॉक होते हैं ना अब चले गए होंगे तो इस पर वीडियो बता दू आराम से वरना आपने बहुत बार देखा होगा एक चीज कि आपने ना कुछ जैसे पजल नहीं होती तो पजल में आपने बेटा ये देखा होगा फिर एक चीज ऐसी कुछ आएगी जिसमें ये वाला तो जिनको जोड़ जोड़ के ऐड करके देखते हैं बहुत जगह आप देखते हैं कि आपके घरों में वो बने होते हैं ना जो फर्श पर तो कितनी लय के साथ उन चीजों को जोड़कर बनाते हैं ठीक तो ये है बेटा साइंस साइंस की की के बारे में में मैं बता सबको नहीं होता कुछ भी इसलिए उसकी क्लास देना उसमें कुछ दो चार मुश्किल से होते हैं वो आपको मैं पढ़ाऊंगा तो उसके लिए आप आराम से बेफिक्र रहिएगा फिलहाल आपसे मिलेंगे नौ बजे एक बढ़िया क्लास के साथ अगर किसी को होश में रहना है तो आइएगा अगर किसी को होश में नहीं रहना तो भाई बहुत पंगे होने वाले हैं आज की क्लास में ठीक है चलो बाय बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत नमस्कार खुश रहिएगा